हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कोई एजेंट या कोई ट्रेवल वाला कोई भी कंट्री वाया होकर के आपको भेज रहे हैं, तो उनसे आप सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहिए, घर में रहिए, किसी के बहकावे में ना आए, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं। कुछ एजेंट और कुछ ट्रेवल वाला आप लोग को अभी पहले वाया नेपाल और मालदीव के रास्ते से भेज रहे थे, अभी उन्होंने एक नया जगह और नया पैलेस ढूंढा है जिसके बारे में आप भी शायद नहीं जानते होंगे। ओके, आर्मेनिया, वाया आर्मेनिया टू सऊदी अरेबिया। ये देश आपने भी नहीं सुना होगा और मैं भी अभी अभी सुन रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में काफी लोग ऐसे न्यूज दे रहे हैं ताकर के कैसे भी लोग उनके पास आए और उनका बिजनेस और उनका धंधा चलता रहे। ये कंट्री से वाया सऊदी अरब, क्यों सऊदी अरब, कैसी तरह से उनको भेजना है और उनको पैसा कमाना है आपसे। तो वो लोग क्या बना रहे मालूम है? पैकेज बना के भेज रहे हैं, 1,30,000, 1,25,000। कौन सा वीजे के लिए भाई? री एंट्री वीजा, वो नहीं कि जो नया वीजा, अभी नया वीजा तो बंद हो गया, अब क्या करेंगे ट्रेवल वाले और एजेंट वाले? अब ये नया एक नियम और उसको कह सकते हैं कि एक जुगाड़, इंडिया वाले तो जुगाड़ वाले है ना, तो कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं वो लोग। तो ये अभी नया उन्होंने ढूंढा है पैलेस, नया जगह की वाया कैसे भी करके जिसका वीजा रीएंट्री है उसको अपने जाल में फंसाऊं और उनको सऊदी अरेबिया भेज दूं, ताकर के मेरा भी धंधा चले और मेरा भी बिजनेस चले। कंट्री का नाम है, वहां से होकर के आपको 14 दिन वहां वो कंट्री में रखेगा, उसके बाद फिर आपको वो कंट्री से सऊदी अरेबिया एंटर करेगा। जो जो कंट्री का वीजा चालू है, जो जो कंट्री से सऊदी अरेबिया आ सकता है, इंडिया वाले वो जगह को ढूंढ करके वाया होकर के सऊदी अरेबिया आपको भेजना चाहता है, वो भी 1,20,000, 1,25,000 से 30,000 का पैकेज में। कौन सा वीजा में आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। वो वीजा जो वीजा आपका री एंट्री है, जिसका अकाउंट में एक्सपायर हो रहा है, जिसका टाइम फिनिश हो रहा है छुट्टी का, उनको भेजना चाह रहा है कि भाई आप लोग चले जाओ, लॉकडाउन में उसके पास पैसा नहीं होगा, वो पैसा कैसे भी करके आपको देगा, उसके बाद अगर वो फंस जाएगा तो उसका पैसा रिटर्न भी नहीं मिलेगा और सऊदी अरेबिया भी नहीं आ सकेगा। आप लोग को पता भी होगा, अभी जब वाया बहरीन, वाया दुबई, वाया ओमान होके फ्लाइट ले रहे थे, तो काफी सारे हमारे इंडियन भाई वापस ओमान से भी गए हैं और बहरीन से भी और दुबई से, तो एक एक महीना रह करके भी वापस गए हैं। अभी आपको पता होगा कि दुबई का भी वीजा बंद है और फ्लाइटें भी बंद है, आप लोग वाया दुबई के जरिए से नहीं आ सकते, ओमान बहरीन के रास्ते से भी नहीं आ सकते। तो आप लोग किसी के बहकावे में, किसी के जालसाजे में ना फंसे, नहीं तो आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट जाएगा और आप सऊदी अरेबिया एंटर भी नहीं कर सकते हो। आप अपने कफिल से या अपनी कंपनी से बात करके अपना छुट्टी को वहीं से बढ़ा सकते हो, ये लोग चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, छुट्टी का टाइम भी बढ़ जाएगा और अकामे का डेट भी बढ़ जाएगा। जब तक लॉकडाउन अपना इंडिया में कम नहीं हो जाता है या फिर सऊदी अरेबिया नहीं कह देता कि नहीं आप लोग आ सकते, तब तक आप लोग 1,20,000-25,000 भर के ना आओ, नहीं तो 14 से 15 दिन आप क्वारंटीन रहोगे, उसके बाद फिर आप सऊदी अरेबिया एंटर कर सकते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके आर्मेनिया में या फिर कोई भी कंट्री में कितना टाइम या कितना समय लगेगा, या आपको भी पता नहीं है, वो लोग आपको पैकेज बना के दे देंगे, आगे का फ्यूचर उसको भी नहीं मालूम है, वो खुद वहां पे गया नहीं है, वहीं से बैठ के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन या फिर उनकी पूरी जानकारी आपको देता है। आपके आपको उसके ऊपर अगर बिलीव है तो आप आ सकते हो, वरना आप लोग ऐसे ट्रैवल वाले से, ऐसे एजेंट से काम ना करें, नहीं तो आपका पैसा काफी डूब सकता है, फंस सकता है। ओके फ्रेंड, और काफी सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि 17 तारीख की जो फ्लाइट है सऊदी अरेबिया एयरलाइंस वाले जो चालू कर रहे हैं, तो क्या हमारे इंडिया से लोगों को जाएंगे या इंडिया से फ्लाइट सऊदी अरेबिया में एंटर करेंगे 17 के बाद? मैं उन लोग से कहना चाहूंगा कि प्लीज अभी आप लोग कोई भी किसी भी ट्रैवल वाले एजेंट से किसी के बातों में ना फंसे, अभी इंडिया से भी आप लोग सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते जब तक के नॉर्मल फ्लाइट चालू नहीं हो जाता। 17 के बाद सऊदी सिटीजन दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। वो लोग का वीजा आज भी सऊदी अरेबिया में चालू है, डॉक्टर, नर्स,
और गोल्डन वीजा वाले का सऊदी अरेबिया में वीजा चालू है, और वो भी कौन सी फ्लाइट, जो वंदे भारत मिशन की फ्लाइट चल रही है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट चल रही है, वो फ्लाइट से आप लोग सऊदी अरेबिया आ सकते हैं कैटेगरी वाइज। जो भी डोमेस्टिक वर्कर या फिर कोई कंपनी कमर्शियल वर्कर है, वो उनका वीजा या फिर उनका स्टैंपिंग कोई भी चालू नहीं है कहीं पे भी, चाहे वो दिल्ली मुंबई कोई भी शहर में चालू नहीं है। आपको कोई भी ट्रैवल या कोई भी एजेंट आपको बहका करके पैसा लेता है, या फिर आपको बोलता है कि 17 के बाद चालू हो जाएगा, 21 के बाद चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपको पूरी जानकारी ना मिले कहीं से, तब तक आप कहीं पे काम ना करो, नहीं तो आप लोग फंस सकते हैं और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा। मैं आपको बस यही गाइड करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल में बने रहे, मैं आगे की इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया से आप लोग को पहुंचाता रहूंगा। जो भी ट्रेवल वाला एजेंट वाला कहता है, तो आप उनसे सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और अपने पैसे को सेव करें, और कोरोना महामारी में अपने घर में बैठे सेफ रहे, मास्क का पालन कीजिए और 2 मीटर की दूरी बनाए रखें अगर आप कोरोना महामारी से लड़ना चाहते हैं। नहीं तो फिर आपको इंडिया की हालात पता ही है कितना खराब है, और कितने लोग यहाँ पे परेशान हैं और कितने लोग की जाने जा रही है, लेकिन अभी भी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना ये मजाक है और कोरोना ये एक लोग बहाना बना रहे हैं। लेकिन नहीं, जब उसके साथ होगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ सच में कोरोना है, और कोरोना से जो लड़ रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है सांस या ब्रीथ में, उनको पता चलता है कि कोरोना क्या है और इसको किस घड़ी से वो गुजर रहा है। तो प्लीज आप लोग इस बात को समझे और मास्क का पालन कीजिए और कोरोना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें गवर्नमेंट के, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। फ्रेंड्स, इतनी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोग के लिए सऊदी अरेबिया से रिलेटेड और जॉब से और फ्लाइट से रिलेटेड। आप लोग समझ गए होंगे, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी बात होगी सऊदी अरब से, मैं आप लोग को इसी चैनल में देता रहूंगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव फन।